हेलो दोस्तों, तो फाइनली जेठालाल ने भिड़े की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मंगूताई के साथ हिसाब करके। लेकिन क्या सारी गलती मंगूताई और गोटिया की थी? तो दोस्तों देखते रहिए ये पूरी वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भिड़े की भी गोटिया के फेल होने में एक बहुत बड़ी गलती थी। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारी गलती तो गोटिया की थी, भिड़े ने तो अपना काम सही से किया, भला भिड़े की क्या गलती होगी? तो दोस्तों जैसे कि जेठालाल ने जब ये प्रूव किया कि सारी गलती गोटिया की थी, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, वो फोन में लगा रहता था और गुटली मार के खेलने चला जाता था, और भिड़े ने उसको कई सब्जेक्ट इम्प्रूव करने को बोला लेकिन वो नहीं माना। तो अब यहाँ पर जो भिड़े की सबसे बड़ी गलती है कि उसने पहले मंगूताई को ये सब क्यों नहीं बताया, जब वो गोटिया को इतने सालों से पढ़ा रहा है तो उसने मंगूताई को क्यों नहीं बताया कभी भी कि आपका बेटा पढ़ाई में कमजोर है, इसके ये सब्जेक्ट कमजोर है और इसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो भिड़े ने कभी भी मंगूताई को कंप्लेन क्यों नहीं की? मंगूताई को तो अब जाके पता चला कि उसका बेटा इन इन सब्जेक्ट्स में कमजोर था और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था और गुटली मारता रहता था, तो उसने पूरे साल में एक बार भी मंगूताई को कंप्लेन करने की क्यों नहीं सोची? वैसे तो भिड़े हमेशा स्टूडेंट के माँ बाप के पास पहुँच जाता है उनको कंप्लेन करने, लेकिन गोटिया के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? और दोस्तों जब हम ट्यूशन में पढ़ते थे तो जो सबसे कमजोर स्टूडेंट होते थे पढ़ाई में, उनके पेरेंट्स को हर दूसरे दिन बुला लिया जाता था, तो भिड़े ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तो दोस्तों गलती तो भिड़े की भी थी कि उसने गोटिया के पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कभी सोची ही नहीं, और इस गलती को शो में भी सबने इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों ये जानने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या भिड़े की भी थोड़ी सी गलती थी या नहीं? आप अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकें।